पाठ 16 संयुक्त अक्षर। नमस्ते मैम। कैसे हैं आप सभी? बहुत अच्छे। बच्चों, आज हम एक छोटी सी पहेली कक्षा में सुनेंगे। इस पहेली की मदद से संयुक्त अक्षरों को जानेंगे। सुनते हैं पहले यह पहेली। एक कक्षा में चार मित्र, चारों ने बनाए दो दो चित्र। सबको बहुत पसंद आए उनके चित्र, कक्ष में लगाए वे सारे चित्र। बताओ तो कितने चित्र बने? 8 चित्र बने मैम। बहुत अच्छे, आप सब तो बहुत ज्ञानी हो। ज्ञानी का मतलब जानते हो आप? नहीं। ज्ञानी का मतलब होता है होशियार। आइए अब और भी संयुक्त अक्षरों को समझें। हिंदी वर्णमाला में छ, त्र, ज्ञ, श्र, ये सभी संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। जब कोई बिना स्वर वाला व्यंजन किसी स्वर वाले व्यंजन के साथ जुड़ जाता है तो वह संयुक्त वर्ण अथवा अक्षर कहलाता है। जैसे मित्र, त र से मिलकर बनता है त्र। त में हलंत चिन्ह का अर्थ है बिना स्वर का व्यंजन और र का अर्थ है र अ, र यानी स्वर वाला व्यंजन। इसी प्रकार कक्ष शब्द में श एक संयुक्त अक्षर है। क श से मिलकर बनता है छ। ज्ञानी शब्द में ज्ञ एक संयुक्त अक्षर है। ज ञ से मिलकर बनता है ज्ञ। इस तरह एक शब्द है श्रम, जिसमें श्र एक संयुक्त अक्षर है। श र से मिलकर बनता है श्र। संयुक्त अक्षरों की एक मजेदार बात यह है कि जब एक व्यंजन आधा होकर दूसरे से जुड़ जाता है तो वह संयुक्त अक्षर बन जाता है। जैसे बिल्ली, पक्का, गुब्बारा। किसी भी अक्षर को आधा करने के लिए उस वर्ण अक्षर की खड़ी पाई हटा दी जाती है। जैसे ल हलंत, ब हलंत। क्षमा, मित्र, ज्ञान, श्रम। वृक्ष, क्षेत्र, यज्ञ, श्रवण। कक्षा, पत्र, विज्ञान, श्रमिक। आइए संयुक्त अक्षर वाले कुछ शब्द सीखें। बिल्ली, मक्का, पत्ता, ठप्पा। लट्टू, लड्डू, गुब्बारा, बच्चा। गन्ना, रस्सी, मक्खी, बस्ता।